Hello everyone and welcome to Wings-e-Quran. My name is Yashodhara Singh Jhumwal and welcome to my lecture series. In the last lecture we talked about the European Union and the Brexit. Brexit ke baad ab kaise jo transition humne zone ke bare mein baat kiya ki ab kaise you know how the things are going to happen kyunki initially jo trade wagaira ho raha tha ab kya naye tariffs rahenge humne unke bare mein baat kiya tha. Now in this lecture we are going to talk about focusing mostly on the Indo-US relations. Now Indo-US relation isiliye kyunki haal hi mein 2020 mein if I am not wrong October 2020 में ही जो BECA है that has been signed. Now BECA जो है एक बहुत important agreement है जो which is going to strengthen your India-US relationship. So let's get started. The first topic जो आज हम पढ़ने वाले हैं under the Indo-US relation that is BECA. Now what is BECA and what it stands for? BECA stands for BECA stands for Basic Exchange and Cooperation Agreement. So what is it? It is Basic Exchange and Cooperation Agreement. As the name suggests, ये किसके बारे में बात करेगा? सबसे पहले it is going to talk about exchange. Exchange of what? Now जो भी exchange हो रहा है उसकी cooperation कैसे होगा उसके बारे में हम बात करते हैं under BECA. Now BECA है क्या? किस चीज़ के बारे में हम क्या हम एक्सचेंज करने वाले हैं? Now BECA is actually a military agreement. ये क्या है? एक military agreement है between the two countries. So what are the two countries? It is India and US. तो ये एक मिलिट्री एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में. हाल ही में 2020 में इंडिया यूएस की थर्ड 2+2 डायलॉग हुआ था जिसमें BECA जो है फाइनली साइन हो चुका है. सो कब हुआ है? थर्ड 2+2 डायलॉग हुआ है, 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में और उसी में ही BECA को साइन किया है. नाउ जो लोग जानते नहीं है व्हाट इज 2+2 डायलॉग उनके लिए बस इतना आप याद रखें. सी इट इज 2+2 दैट मींस दो बंदे यहाँ के जाएंगे. मोस्टली यहाँ से आपका एक्सटर्नल अफेयर्स के जाते हैं और आपके डिफेंस मिनिस्ट्री जाते हैं एंड सिमिलरली यही जो पोस्ट आपके यूएस वाले होल्ड करते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं और इट इज 2+2. तो ये मतलब चार हो गए. ये सब बैठ के दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट्स और फिर अगर कोई भी चीज़ जो दोनों कंट्रीज़ के लिए लाइबल हो दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करें फिर उसके ऊपर एक एग्रीमेंट होता है. तो ये कौन से आपके 2+2 डायलॉग में हुआ है? ये आपके थर्ड इंडो यूएस 2+2 डायलॉग में हुआ है. कब हुआ है? हाल ही में 2020 में हुआ है. फाइन, तो एक्सचेंज और कॉरपोरेशन किस चीज़ का होगा? एक्सचेंज और कॉरपोरेशन होगा आपके मिलिट्री. नाउ BECA एक्चुअली टॉक्स अबाउट योर जियोस्पेशियल. क्या बात करता है ये? जियोस्पेशियल एग्रीमेंट है. अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिसाइल लॉन्च करना है या अगर आपको नेविगेशन करना है, सेलिंग करना है, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर रूट्स वगैरह पता हो. इन शॉर्ट, BECA इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट लाइक योर GPS सिस्टम. जैसे जब आप कहीं पे जाते हैं, आपको पता नहीं है रूट का, तो आप गूगल मैप पे जाते हैं, आप GPS ऑन करते हैं एंड देन इट टेल्स यू कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, राइट? अगर आप सिमिलरली अगर एक कंट्री कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है या कुछ भी कोई से किसी दूसरी जगह पे लॉन्च कर रहा है तो उसको इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि वहाँ पर वो मिसाइल जाएगी कैसे, वॉट रूट टू फॉलो. तो दैट इज़ एक तरीके का आपका GPS हो गया. वही आपका BECA बात करता है जिसमें आपका इंडिया और US जो दोनों मिलके हैं अपने कम्युनिकेशन करेंगे और ये एग्रीमेंट प्राइमरीली इट इज़ टॉक्स अबाउट योर जियोस्पेशियल जो आपके इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में ये बात करेगा. फाइन, नाउ ये करता क्या है? जैसे कि आपको मैंने बोला इट इनेबल्स दैट एक्सचेंज. तो पहले तो आ गया आपका कॉरपोरेशन हो गया, नाउ एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ योर जियोस्पेशियल डेटा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप इतना याद रखें कि BECA इज ऑल अबाउट GPS, ठीक है? तो ये एक जियोस्पेशियल डेटा है जो ये दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करेंगी. नाउ इंडिया के भी अपने सैटेलाइट्स हैं, अपने सब कुछ है, लेकिन US के कंपैरिजन में अभी इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है. US हैज़ वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट सैटेलाइट सिस्टम जो है इसका. तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर US हमको इस चीज़ में साथ दे रहा है, ठीक? नाउ अब ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या होगा? तो ये दोनों जो अपनी जियोस्पेशियल डेटा है उसका इन्फॉर्मेशन जो है ये दोनों कंट्रीज आपस में शेयर
करने वाली हैं। नाउ इम्पॉर्टेंटली ये साइन कब हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये साइन हुआ है 2020 में, और कब हुआ है, जब 2+2 डायलॉग थर्ड 2+2, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डायलॉग था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, या कोई भी नहीं था। सो इट इज़ थर्ड 2+2 डायलॉग में इंडिया यूएस के दिस हैज़ बीन साइंड। नाउ व्हाट विल इट डू, इट विल ऑल अलाउ इंडिया, नाउ इट विल अलाउ इंडिया एंड यूएस, ये दोनों कंट्रीज इंडिया एंड यूएस टू शेयर मिलिट्री इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एडवांस सैटेलाइट। अब देखिए मिसाइल लॉन्च करना है, हवा में ही होगा। नाउ अब ये आपका जो आपका सैटेलाइट सिस्टम, इसमें इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि आप सैटेलाइट के थ्रू ही ये सब चीज़ें देख सकते हो। आप यहाँ बैठ के अगर आप अपने गूगल मैप पे डालेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। सो इट इज़ कि क्योंकि यूएस हैज़ वन ऑफ द बेस्ट सैटेलाइट सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया और यूएस दोनों कॉरपोरेशन के साथ एक दूसरे के साथ अपने जो है ये सैटेलाइट सिस्टम जो है उसका इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, रग्ड है, आगे कोई पहाड़ तो नहीं है, या फिर इज़ इट गोइंग टू रीच देयर और नॉट। सो सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डेटा, जिसमें आपका क्या क्या आता है, आपका मैप्स आता है, आपके नॉटिकल्स, जस्ट इन केस अगर सेलिंग वगैरह का कुछ कर रहे हैं तो जियो फिजिकल एंड जियो मेट्रिक्स एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बात करता है, इट टॉक्स अबाउट बेका। तो आप इतना याद रखें, बेका 2020 थर्ड 2+2 डायलॉग इंडो यूएस, एंड बेका प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द जियो स्पेशल डेटा। तो बेका जियो स्पेशल डेटा, ये आप सबसे ज़्यादा याद रखें, ठीक है। नाउ ऐसा नहीं है कि एकदम से साइन हो गया, ये ऐसी चीज़ के बारे में दे वर टॉकिंग अबाउट इट बहुत पहले से, लेकिन फाइनली ये 2020 में साइन हो चुका है। अब क्योंकि ये 2020 में ही हुआ है, अक्टूबर में ही हुआ है साइन, तो इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेका बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट डज बेका स्टैंड्स फॉर, बेका स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, तो एक्सचेंज करेंगे और कॉरपोरेट करेंगे। नाउ अब कॉरपोरेट कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए अगर इंडो और यूएस आपस में बात कर रहे हैं, अपने आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं, तो कोई और कंट्री उस चीज़ को आके स्टील कर ले या उस चीज़ को भी सुन सकें, ऐसी कोई बात हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इनक्रिप्टेड हो, ताकि कोई और कंट्री इसको जान ना पाए, या अगर जान लेंगे, अगर सब कंट्रीज जान लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या था बेका का, राइट। तो इसको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दोनों कंट्रीज़ में ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि अगर यूएस हमको कुछ बता रहा है तो हम भी तो इन रिटर्न कुछ बताएंगे ना यूएस को। सो इट इज़ कि इनक्रिप्टेड होना चाहिए, और दोनों कंट्रीज़ के लिए ये सबसे बड़ा ट्रस्ट की बात है। सो इट इज़ अ बिग ट्रस्ट की ये बात है कि दोनों कंट्रीज ने इस चीज़ को साइन किया है। फाइन, अब ये पहला ऐसा कुछ ये पहला ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ है। इससे पहले भी 3 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएस ने साइन किए हैं आपस में, जो मार्क करता है एक इम्पॉर्टेंट, इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अब जो फर्स्ट 2002 में साइन हुआ था, दैट इज़ योर जिसोमिया, दैट स्टैंड्स फॉर जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट। अब ये क्या था, बेका भी आपका मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड था, ये भी आपका मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, लेकिन उसमें जियो स्पेशल डेटा था, इसमें जियो स्पेशल नहीं है। इट ओनली टॉक्स अबाउट योर मिलिट्री इंटेलिजेंस। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन इंटेलिजेंस, सबकी अपनी है, इसराइल की अपनी है, यूएस की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है, हमारी अपनी है, तो अब ये अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। कब हुआ था ये साइन, ये 2002 में साइन हुआ था। सो कब हुआ था, 2002 में ये साइन हुआ था। सो अगर पूछा जाए कि इंडिया और यूएस के बीच में पुराने कौन से एग्रीमेंट थे, आपको ऑप्शंस आए, बेका आए, जिसोमिया आए, आगे हम लेमोआ के बारे में पढ़ेंगे, कॉमकासा के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज योर जिसोमिया, ठीक है। नाउ अब ये दोनों क्या करेंगे, द टू कंट्रीज रिक्वायर टू प्रोटेक्ट ईच अदर्स क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपका बेका था, सिमिलरली अगर दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयर कर रही है, देखिए एक तो इंटेलिजेंस, ऊपर से मिलिट्री, हम वी ऑल आर इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, तो इकोनॉमिकली वी हैव टू बी वेरी स्टेबल, ताकि हमारे पास पैसा होगा, पैसा होगा तो
ऑब्वियसली हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उसको जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी दूसरी कंट्री भी 100 बार सोचे कि हम हमारे ऊपर कोई हमला या कोई सैंक्शन लगाने से पहले. सो इट इज़ कि हमको हम अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करें. तो दोनों कंट्रीज़ को इम्पॉर्टेंट है कि इनके बीच में कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए. कि कहते हैं ना, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ले जाती है या बिल्लियों की लड़ाई में बंदर वो ले जाता है फ़ायदा. सो इट इज़ कि इनके बीच में कोई लूप होल नहीं होना चाहिए कि हम दोनों आपस में शेयर करते रहें और तीसरी कंट्री कोई बीच से हमारे लूप होल की वजह से वो सारे इन्फॉर्मेशन लेते जाए. तो इट इज़ कि बोथ द कंट्री शुड प्रोटेक्ट एक दूसरे के जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस हम शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ उनको प्रोटेक्ट करें. ठीक है, नाउ इट इज़ वन ऑफ द फोर, इट इज़ द probably it is the first, ये first थी जो चार agreements India और US के बीच में sign हुए हैं. So it is the first. तो अगर आपको chronological order में भी लगाने को आए तो आप याद रखो जिसोमिया, it is the first agreement of the four, जो चार agreements India और US के बीच में हुए हैं उनमें से पहला जो है यही है. और ये कब हुआ है, 2002 में ये जो है sign हुआ है. Fine, next. Next up we have is LEMOA, LEMOA, which stands for Logistic Exchange Memorandum of Agreement. So what does it stand for? आपको इसका full form भी आ सकता है. So it stands for Logistic Exchange Memorandum of Agreement. Now what is logistics? Logistics आप सरल भाषा में इतना याद रखें, अगर हम कहीं से कोई गुड ला रहे हैं, वो गुड कहाँ पे स्टोर होगा, वो गुड आगे कहाँ पे जाएगा, ये सब होता है आपका लॉजिस्टिक्स. ठीक है, कोई भी चीज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे रखी जाएगी, फिर यहाँ से कहाँ को जाएगी, वो सब आपका लॉजिस्टिक्स के बीच में आता है. नाउ LEMOA प्राइमरीली फोकसेस ऑन लॉजिस्टिक्स. तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं. जिसोमिया में आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस था, बेका में आपका जियोस्पेशियल था, और LEMOA में जो 2016 में साइन हुआ है, 2016 में जो साइन हुआ है, इट टॉक्स अबाउट लॉजिस्टिक एक्सचेंज, कि हम इसमें इस एग्रीमेंट में हमारे लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. फाइन, नाउ what does it permit? ये हमको allow क्या करता है? It permits that the military of either countries, both India and US, to use each other's bases. तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के bases को use करेंगे. For example, अभी कुछ time पहले 2016 की ही बात है, जब जो US ने अपना military aircraft जो था वो अंडमान निकोबार में उतारा था वहाँ पर refuel करने के लिए. अब India is traveling somewhere, सरल भाषा में इंडिया इट इज़ ट्रैवलिंग समवेयर. नाउ बीच में रिफ्यूलिंग हो जाए या फिर कुछ सामान चाहिए तो कहाँ पे वो, अब देखो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा मन क्या वो सामान ख़त्म हो गया चलो यहीं पे लैंड कर लेते हैं. नो, हर एक कंट्री का अपना एयर स्पेस है और हम उसको वो नहीं कर सकते कि हमारा जहाँ मन किया वहाँ पर हवाई जहाज उड़ा दिया, वहीं पर मिसाइल छोड़ दी, वहीं पर ही अपना कार्गो लेके चले गए, ऐसा नहीं होता है. तो इंडिया और यूएस एक दूसरे को परमिट करता है कि जस्ट इन केस अगर आपको हमारा कोई भी बेस यूज़ करना है फॉर रिफ्यूलिंग पर्पसेस, फॉर गुड्स पर्पसेस, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ इंडिया यूज़ नहीं करेगा, यूएस भी हमारा यूज़ करेगा. फॉर जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 2016 में ही जो यूएस था उसने अंडमान निकोबार में अपना एयरक्राफ्ट को लैंड किया और वहाँ पर रिफ्यूलिंग करके इट वेंट फॉरवर्ड. तो इस तरीके का भी क्या होता है, एक स्ट्रेंथनिंग. अब नाउ यूएस हैज़ बेसिस ऑल, हर एक कंट्री बहुत जगहों पे जहाँ पे यूएस का सोवरेनिटी भी नहीं है बट वहाँ पर भी उसके अपने अपने बेस हैं. तो नाउ इंडिया सिर्फ यूएस के बेस नहीं, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे यूएस के बेस है वहाँ पर भी लैंड करके उन बेस को यूज़ कर सकता है. और ये कौन से एग्रीमेंट बात करता है, इट टॉक्स अबाउट LEMOA, LEMOA साइंड इन 2016. ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें मिलिट्री, आप मिलिट्री को लेके किसी भी पर्पस को लेके एक दूसरे के बेस को यूज कर सकते हो. यूएस हमारा कर सकता है और हम यूएस का कर सकते हैं, और इसमें हम ही फायदे में है क्योंकि यूएस जो है उसके बहुत जगहों पे अपने अपने बेसिस हैं. तो इंडिया एनी टाइम यूएस की परमिशन से उनको यूज कर सकता है, और ये एग्रीमेंट हमको अलाउ करता है कि हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं. ठीक, नाउ दिस वॉज द सेकेंड एग्रीमेंट, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड एग्रीमेंट, दैट इज कॉमकासा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमकासा साइन कब हुआ था, 2002
जिसोमिया, 2016 लेमोआ, कॉमकासा 2018, लेकिन ये वैलिड है ओनली फॉर 10 ईयर्स। तो आप इतना याद रखें, बाकी में कुछ वैलिडेशन का ईयर्स नहीं है, लेकिन कॉमकासा में है, दैट इज फॉर 10 ईयर्स। सो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 10 ईयर्स, मतलब अगर 2018 में हुआ है तो 2028 तक इट इज़ गोइंग टू बी वैलिड। नाउ व्हाट डज कॉमकासा स्टैंड्स फॉर? कॉमकासा स्टैंड्स फॉर, कॉम स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, सी ए स्टैंड्स फॉर कंपैटिबिलिटी, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। सो इट इज़ कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। नाउ व्हाट डज इट इनेबल्स? इट इनेबल्स द टू कंट्रीज, इंडिया एंड यूएस, ये इनेबल करता है दोनों कंट्रीज को अपने सिक्योर कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। तो ये किसके बारे में बात करता है? जैसे इसका नाम है कम्युनिकेशन, तो अपने जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के बारे में कौन बात करता है? इट टॉक्स अबाउट दैट एग्रीमेंट इज योर कॉमकासा। अब ये कब साइन हुआ है? ये साइन हुआ है आपका 2018 में, और कॉमकासा के बाद 2020 में आपका साइन हुआ है बेका। तो कितने हो गए आपके? पूरे के पूरे 4 हो गए। सबसे पहले जिसोमिया इन 2002, इसके बाद लेमोआ इन 2016, इसके बाद कॉमकासा इन 2018, और फाइनली 2020 में इट इज़ योर बेका। ठीक है, और चारों के अलग अलग अपने अपने काम हैं। ओके, नाउ जैसे मैंने बेका के बारे में बात किया था, बेका के साथ एक और चीज आप याद रखें कि देर इज अ 5 I ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपका 5 I ऑर्गेनाइजेशन? है ये क्या है? 5 I ऑर्गेनाइजेशन है 5 countries का अमेलगमेशन, या 5 countries जिन्होंने इकट्ठे आके ऑर्गेनाइज किया है। व्हाट आर द नेम ऑफ द 5 countries? द नेम्स आर US, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये क्या है 5 I ऑर्गेनाइजेशन? दे आर द नेम ऑफ द 5 countries। नाउ कंफ्यूज नहीं होना है आपको G5 या P5 के साथ, इट इज US, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कब बना था ये? बना था आपका 1946 में। सबसे पहले इन दोनों ने बनाया था, उसके बाद कनाडा ने ज्वाइन किया, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों ने 5 I ग्रुप को ज्वाइन किया था। कब बना है? 1946 में बना है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? इट टॉक्स अबाउट शेयरिंग। शेयरिंग व्हाट? इट टॉक्स अबाउट शेयरिंग, बट शेयरिंग ऑफ व्हाट? इन 5 countries के बीच में शेयर क्यों हो रहा है? शेयर हो रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस। इन 5 countries के बीच में क्या हो रहा है? मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है। अब इन 5 countries के नाम इंपॉर्टेंट है, 5 I ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और 1946 में बना ये भी इंपॉर्टेंट है। काम क्या करता है? शेयर करता है मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब चीज़ें इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 5 I कॉन्फ्रेंस। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में इंडिया ने जो 5 I कॉन्फ्रेंस है इसको जो है ज्वाइन किया है, और क्या पता इन द कमिंग ईयर्स या कभी भी इंडिया जो है 5 I ग्रुप को ज्वाइन करके ये 5 से 6 I ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकता है। ठीक है, सो 1946 में बना है। व्हाट डज इट टॉक अबाउट? इट टॉक्स अबाउट शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। नाउ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस? हम क्यों बात कर रहे हैं सब कंट्रीज के साथ? हम क्यों दौड़ में लगे हुए हैं कि हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, बेस को यूज़ करें एक दूसरे का, या इंटेलिजेंस यूज़ करें, हम जियो स्पेशल क्यों एक दूसरे के साथ शेयर करें? इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड एंडिंग डोमिनेंस ऑफ चाइना। देखो, इंडिया और US का जो प्राइमरी फोकस है ना, उसका सिर्फ यही है कि डोमिनेंस जो है चाइना का उसको ख़त्म करना है। प्राइमरीली कहाँ ख़त्म करना है? इंडो पैसिफिक रीजन में ख़त्म करना है।
ये सब चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि चाइना जो है, देखो चाइना जो है क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत साउंड है और शायद कुछ टाइम के बाद 2030 तक आते आते इट माइट टर्न अप टू बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो चाइना जो है बाकी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे एसेट्स बिल्ड करता है, और फिर वो जब कंट्रीज पूरी की पूरे डेट ट्रैप में आ जाती है, फिर चाइना पूरा का पूरा डोमिनेंस लगा के वहाँ पे बेस बना देगा, मिलिट्री वहाँ पे सेटअप कर देगा। तो इसीलिए ऐसा सब कुछ नहीं हो, डोमिनेंस ऑफ चाइना प्राइमरीली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसे खत्म करने के लिए ये चीजें की जाती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्वाड ग्रुप। क्या है उसका एग्जाम्पल? क्वाड ग्रुप। अब ये क्वाड नेशंस क्या है? क्वाड नेशंस मतलब कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कैसा है आपका? यूएस, इंडिया, जापान एंड रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड में कौन सी चार कंट्रीज आती हैं आपकी? यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। फाइन, अब हाल ही में आरसीईपी भी साइन हुआ है जिसमें इंडिया ने साइन नहीं किया, तो अभी हमको देखना भी बाकी है कि अब क्या रहेगा इस क्वाड नेशंस का, आगे का सफर कैसा रहेगा। बट अभी के लिए क्वाड नेशंस की जब हम बात करें, तो अगर हम अभी जैसे क्वाड नेशंस आपको समझ आ गए, ये आपके यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इनका मेन एजेंडा क्या है कि आपके जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना का डोमिनियंस को ख़त्म करना है, डोमिनियंस हो ना जाए इसलिए ख़त्म करना है। जैसे इंडिया और यूएस की बात करें, इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मालाबार, ठीक है, जिसको 2015 में जापान ने ज्वाइन किया था। 2015 में मालाबार जो थी बाइलेटरल से ट्राइलेटरल बन गई, जिसमें यूएस, इंडिया, जापान तीनों के तीनों जो है मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। और हाल ही में 2020 की ही बात है, जब आपका ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया था कि आप मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट लीजिए। नाउ इट कोविड का टाइम था उस टाइम पे, सो इट वाज नो कॉन्टैक्ट जो था आपका सी में रहा था। ये इट इज़ अ योर नेवल एक्सरसाइज, मालाबार जो है नेवल एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल है, इंडिया, यूएस एंड योर जापान। 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया था, और आई थिंक 1992 की बात है जब इंडिया और यूएस ने इसको स्टार्ट किया था। सो 1992 में इंडिया, यूएस, मालाबार, फिर 2015 में जापान ने ज्वाइन किया, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया गया था मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट लेने का। नाउ ये सब चीज़ें इंडियन ओशन के आसपास क्यों घूम रही हैं? सबसे पहले एक तो आपका पैसिफिक, पैसिफिक अगर हम बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन। लार्जेस्ट ओशन के साथ इट इज़ वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि रिंग ऑफ फायर्स है वहाँ पे। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, आउट ऑफ ऑल द जितने भी आपके ओशंस हैं, पांच मेजर ओशंस हैं, उसमें से आफ्टर पैसिफिक एंड एटलांटिक कौन से नंबर पे इंडियन ओशन आता है? तीसरे नंबर पे। अगर हम ओशन की बात करें, लार्जेस्ट ओशंस की बात करें, तो इंडिया, इंडियन ओशन जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट के साथ 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इसी के ही आसपास मंडरा रही है, ठीक है। सो 1/3 पॉपुलेशन भी है, थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट भी आफ्टर पैसिफिक एंड अटलांटिक, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन है वहां पे बहुत ट्रेड होता है। मेजर जो आपका 40% ऑफ जो ऑयल है आपका, वो इन्हीं एरिया से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। तो 40% का ऑयल तो यहीं से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसलिए हर एक कंट्री ट्राई करती है कि इस एरिया में अपना डोमिनेंस हो। अब कहीं पर भी डोमिनेंस की बात होगी तो चाइना कैसे पीछे रह जाएगा, और ये सब जो कंट्रीज हैं ये ट्राई कर रही है कि इस एरिया में इनका डोमिनेंस ना हो। 40% ऑयल, और इसी के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है इन एरियाज में पाए जाते हैं। इसी के करके इंडियन ओशन में किसी भी कंट्री का डोमिनेंस ना हो, ये सब कंट्रीज जो है आपस में लगी रहती हैं। फाइन, सो आज हमने बात किया आपके ऑल द फोर एग्रीमेंट्स, जिसोमिया, लेमोआ, कॉमकासा एंड बेका, इसी के ही साथ क्वाड ग्रुप, क्योंकि हम इंडो यूएस की बात कर रहे हैं तो क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप का एजेंडा क्या है? नाउ एजेंडा इज इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस खत्म करना। नाउ
क्यों डोमिनेंस खत्म करना, उसके बारे में भी हमने आपको हल्का सा उसके बारे में बता दिया है। फाइन, सो आपको कोऑर्डिनेशन भी याद रखना है, कौन कौन से चार कंट्रीज हैं। इट इज़ US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सो अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेटर, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन हैं। फाइन, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में न्यूज़ में रह चुकी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।